नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। सीएम नीतीश कुमार आज एक्शन में दिखे। आज उन्होंने गोपालगंज और सारण में बांधों का जायजा लिया, तटबंध में जो कार्य चल रहे हैं, कटाव निरोधक कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तय समय सीमा में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो नीतीश कुमार आज पूरे एक्शन में दिखे हैं। आज उन्होंने हवाई दौरा किया है गोपालगंज का और सारण का। तटबंध के जो निर्माण कार्य चल रहा है और कटाव निरोधक कार्य चल रहे हैं, उन तमाम कार्यों का जायजा लेने के बाद उन्होंने अधिकारियों के लिए समय सीमा तय कर दी है कि तय समय सीमा के अंदर ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो सीएम नीतीश कुमार ने जायजा लिया है, उसके बाद क्या कुछ कहा है मीडिया के सामने, पहले सुनिए आप। उस दौरान तो हम दो बार ऊपर से ही हेलीकॉप्टर से ही चारों तरफ यात्रा करते हुए देख लिए थे और उसी समय जो यहाँ की समस्या दो दो बार हुई, और आप जानते हैं कि पूरे इलाके में जिस तरह से लोग दुष्प्रभावित हुए हैं और जिस तरह से पानी बढ़ा था नेपाल में भी और इस साइड में भी, तो उसके चलते लोगों को बहुत परेशानी हुई थी और बहुत लोग इसको झेले थे। तो ऐसी स्थिति में तो उसी समय आकर के हम लोगों ने देखा था और उस समय जो कुछ भी किया जाता था, लेकिन फिर भी वो बार बार टूट जाता था। तो ये सब तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन बाद में जब बाढ़ का दौर ख़त्म हुआ तो ये बात तय थी कि इसको तेज़ी से काम करना है ताकि अगले वर्ष लोग बाढ़ से प्रभावित न हो। तो इस तरह से पूरा का पूरा काम जो कुछ भी ज़रूरी है वो ये डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इसके जितने इंजीनियर्स हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं और बहुत सारे काम के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हमने NIT पटना को रखा है कि उसके भी लोग आते हैं इंजीनियर्स और देखते हैं उनके प्रोफेसर्स विशेषज्ञ के रूप में कि कहाँ क्या किस तरह से होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में उनसे राय ली जाती है। सड़क वगैरह भी कहीं से गुजर रहा और उससे कहाँ क्या दिक्कत आई, तो हर चीज़ों के बारे में इन चीज़ों को देखा जाता है। तो जो भी फ्लड से प्रभावित हुए तो उसी को ध्यान में रखते हुए पूरा काम किया जा रहा है। और इसी बीच में हम लोगों के मन में ये बात हुई, हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ लगातार चर्चा की है और हमारे माननीय मंत्री जी भी हैं और इरिगेशन विभाग के सचिव भी हैं, तो जो बात होती रही है तो इसी में एक बात आई कि इसको चल करके स्पॉट पर हम देखें और जो कुछ भी काम हो रहा है उससे भी और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने तो सब कुछ देख लिया है, तो जो भी मुझको सुझाव देना था कि इसके अलावा और भी क्या क्या करना चाहिए तो हमने बता दिया है और ये लोग सारे काम को करेंगे। और लक्ष्य यह है कि इसको मई महीने में 15 मई तक सारा काम पूरा हो जाए। यहाँ सेक्रेटरी साहब है ना भाई, कहाँ गए? बुलाई। तो 15 बताइए, 15 मई तक सारा काम पूरा करेंगे। 15 मई तक सारा काम पूरा करेंगे ताकि किसी भी तरह से लोगों को दिक्कत न हो। दो चार दस दिन का डिले हो वो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितनी बात कही गई है कि और ज़्यादा एम्बैंकमेंट के लिए, उसकी रक्षा के लिए, और जो हम लोगों ने एक जगह देखा वो स्टील सीट पाइप उसका भी हमने सजेस्ट किया है पॉपुलेशन कि जहाँ पर बहुत पॉपुलेशन है उसके बगल में कोई एम्बैंकमेंट बन रहा है और उसको फिर वहाँ पर उसको सुधार कर रहे हैं, तो स्टील सीट पाइप लगा देने से बहुत प्रोटेक्शन होगा। और ये तो हम बिल्कुल जिसको कहिए कि जो दौर था उस समय उस समय भी हम जा कर के देखें अगर वो काम कर रहे थे तो ये 19 में वहाँ प्रभावित हुआ था, ये मधुबनी जिले में, वहाँ पर इन लोगों ने कहा कि हम लोग इस तरह से उसको पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। तो आप जानते हैं कि उस समय 19 में हम लोग तो जल जीवन हरियाली अभियान के लिए कार्यक्रम कर रहे थे 13 तारीख को, और उसी दिन जब कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो पता चला कि वहाँ बहुत प्रभावित, अगले दिन जा कर के हम लोग देखें। तो इस बार बीच में भी कोरोना के दौर में भी हम साइट पर गए और सारा काम हो रहा है, लोग प्रोटेक्टेड हुए हैं, और उसके बाद जो भी ये जो नया जो स्टील सीट पाइल का जो काम नेपाल बॉर्डर पे गए तो ये और नेपाल बॉर्डर पर तो गई, लेकिन इन सब चीज़ों को जो देखा तो बिहार में पहली बार वो काम हुआ और बहुत अच्छा है। जानते हो नीचे जा कर के 12 मीटर तक नीचे चला जाता है और 12 मीटर तक नीचे रख करके उसको स्टील से उसको प्रोटेक्ट करता है। तो उसी तरह का एक काम जो वहाँ शुरू हुआ तो हमने कहा कि भाई इसको तो अन्य जगहों पर करिए। तो आज हमने यहाँ पर चूंकि गांव प्रभावित हुआ था
तो उसके बगल में जो कुछ भी इसको सुधार रहे हैं, एम्बैंकमेंट को और बना रहे हैं, तो उसमें हमने यह भी उनको सजेस्ट किया है, ये भी काम करेंगे। और ताकि जो सारा काम किया जाएगा कि आगे इस इलाके में फिर कठिनाई नहीं हो। लेकिन एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि एक इलाके में कठिनाई आई, अगली बार अगर फ्लड आया तो दूसरे इलाके में कठिनाई आ सकती है। तो हमने यही सजेस्ट किया है कि पूरा जितना भी दोनों तरफ बना हुआ है एम्बैंकमेंट, एक एक का पूरे तौर पर अध्ययन करके और भी कहाँ कुछ गुंजाइश ऐसी हो सकती है तो उसको देखते हुए उसके बारे में पहले ही से प्रोटेक्टिव जो भी काम हो सकता है उसके लिए करना चाहिए। तो यही सब काम करने के लिए आज हम देखने आए हैं, और देख करके हमने देख लिया, और ये ब्रिज बना तो दोनों तरफ हम गए। और आप जानते हैं, जहाँ तक हमको ध्यान में आ रहा है कि 12 में इसका शिलान्यास हुआ था, तो केसरिया तक गया, तो केसरिया तक इसलिए हम चले गए कि आखिर वहीं से हमने किया था, देखा कि भाई कि केसरिया तक भी जा करके देखें कि रास्ते में, तो और भी जो ब्रिज बना है और उसका जो रोड है, अप्रोच रोड है, उसको भी हमने देख लिया, ताकि हम पथ निर्माण विभाग को भी कहें और उनके जो अपर मुख्य सचिव हैं उनको भी सारी बातों की जानकारी दी जा रही है कि आ करके फिर से एक और अध्ययन करके, ताकि रोड बन जाना, ब्रिज बन जाना ना लोगों के हित में, लेकिन अगर कहीं से कोई दिख रही है कि कुछ संभावना है कि यहाँ पर ये टूट सकता है, तो उसको अभी ही उसके प्रोटेक्शन के लिए सारा काम करना चाहिए। तो यही बात है, यही सब देख लिया है। तो आप लोग भी सब मौजूद रहे, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग की इजाज़त हो तो अगले स्पॉट पर भी जाएं। सर, ठीक है सर। तो सुन लिया आपने किस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने जवाबदेही तय कर दी अधिकारियों को कि तय समय सीमा पर जो तमाम जो तटबंध टूटे हुए हैं, जिनका निर्माण कार्य चल रहा है, कटाव निरोधक कार्य चल रहा है, वो सब कुछ पूरा हो जाना चाहिए तय समय सीमा पर, और उन्होंने अधिक निर्देश दे दिया है। दरअसल सीएम ने कहा है कि जो सड़कों और तटबंधों को क्षति हुई थी, जो पिछली बार जो बारिश के दौरान, बाढ़ के दौरान, वो तमाम जो है सरकार दुरुस्त करने की कवायद में जुटी हुई है, और बरसात के पहले इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर लेना है। बांधों के कटाव निरोधक जो कार्य हैं उनको दुरुस्त कर लेना है। तो सीएम नीतीश ने आज स्थल निरीक्षण किया है और अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए हैं और तय समय सीमा पर काम करने की, पूरा कर लेने की हिदायत भी दे दी है सीएम नीतीश कुमार ने। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।